जो रेन एंड मैन प्रॉब्लम है, इसमें बुक्स में बहुत थ्योरीज गिवन है, फॉर्मूले गिवन है, शॉर्टकट गिवन है, मैं नहीं पढ़ता वो। मैंने ना पूरे न्यूमेरिकल स्टडी करके बस ये समझा हुआ है कि तीन किस्म के न्यूमेरिकल आते हैं बस, कोई मुझे फॉर्मूला चाहिए ही नहीं है, मैं बिना फॉर्मूले के ऐसे ही 2 मिनट में कर दूंगा सॉल्व। तो पहला टाइप का न्यूमेरिकल सीधा करते हैं आएगा, एप्लीकेशन है कि सपोज कोई एक बस स्टॉप के बाहर खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है बंदा एक, बारिश गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब एक पॉइंट समझ लेना कि जब ये गिवन होता है ना कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम ऐसे करते हैं। फिर वर्टिकली डाउनवर्ड्स क्या होगा, नॉर्थ से साउथ, अच्छा रेन गिरती है नॉर्थ से साउथ, रेन गिरती है कश्मीर से कन्याकुमारी, नहीं ऐसे तो नहीं गिरती है, रेन तो ऊपर से गिरती है आसमान से, आसमान नॉर्थ नहीं होता, राइट, जो स्काई है वो नॉर्थ नहीं है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ऐसे गिरने का मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो इस रेन एंड मैन प्रॉब्लम में रूल नंबर 1, नॉर्थ साउथ ऐसे मत लेना, ऐसे लेना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और रेन कैसे गिर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट, कंफ्यूजन ही नहीं होगी कोई भी। नहीं तो अगर आपने नॉर्थ साउथ ऐसे ले लिया और रेन भी नॉर्थ साउथ गिर गई और पूछेगा कि रेन की डायरेक्शन क्या, आपको कहीं नॉर्थ साउथ, तो भाई फिर गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, तो ऐसे और वर्टिकली डाउनवर्ड। तो शुरू करते हैं, रेन कोई बस स्टॉप पे खड़ा है, रेन कैसे गिर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड, रेन का वेलोसिटी वेक्टर नीचे है, और ये कौन बता रहा है, ये एक ऐसा बंदा बता रहा है जो खुद ग्राउंड पे खड़ा है, तो यानी कि एक्चुअल वेलोसिटी है रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, एक्चुअल वेलोसिटी है रेन की, जो कि कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो बारिश के सर पे गिर रही है, छाता कैसे पकड़ेगा, ऐसे सीधा पकड़ेगा, सिंपल पहला रूल। पर हुआ क्या, खड़े खड़े हवा चल पड़ी, विंड चल पड़ी, हवा बहुत तेज थी, हवा की स्पीड इस तरफ ईस्ट से वेस्ट स्टार्ट हो गई, तो मैंने ईस्ट ले लिया वेस्ट ले लिया, नॉर्थ साउथ अंदर बाहर है, मुझे ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, तो ईस्ट वेस्ट, तो रेन विंड यहां चल पड़ी, तो सारे वेक्टर एक ही ओरिजिन पे ड्रॉ करने हैं, तो ये रेन और ये विंड, क्लियर है। अब क्या हुआ, जो बंदा खड़ा है, सोचो अगर हवा नहीं चल रही तो छाता ऐसे पकड़ेगा, हवा बहुत तेज इस तरफ चल रही है, उसको लगेगा बारिश टेढ़ी गिर रही है, तो छाता कैसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा। जब हवा चलती है, कल बहुत तेज बारिश हुई है, बहुत तेज हवा भी थी, तो आपने देखा होगा रेन टेढ़ी दिखती है, अगर कार की लाइट चलाओगे ना तो आपको लगेगा रेन ऐसी, रेन हवा के साथ ऐसे मूव करती हुई दिखेगी, उड़ती हुई दिखेगी ऐसे, राइट, तो छाता भी सीधा नहीं पकड़ा जा सकता। तो उस बंदे को क्या लगेगा, उसके ऊपर जो पानी गिरेगा वो 4-3 की स्पीड के साथ थोड़ा गिरेगा, हवा की स्पीड भी बीच में रिजल्टेंट अपना कंट्रीब्यूट करेगी, तो हवा कितनी है 4 और रेन कितनी है 3, रिजल्टेंट क्या दोनों का, तो रिजल्टेंट में क्या करेंगे, इनका वेक्टर सम, तो वेक्टर सम में ये 4 ये 3 का वेक्टर पैरेललोग्राम, तो रिजल्टेंट क्या आएगा 5। तो उसके मुंह पे जो पानी गिरेगा ना वो 3 की स्पीड पे नहीं गिरेगा, वो 5 की स्पीड पे गिरेगा और टेढ़ा गिरेगा, तो उसको लग रहा है कि पानी ऐसे गिर रहा है, तो छाता भी कैसे पकड़ेगा, एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट पकड़ लेगा, तो ये इसकी डायरेक्शन है, क्योंकि रेन उसको ऐसा लग रहा है कि ऐसे गिर रही है, लेकिन गिर ऐसे रही है, उसको इस तरफ हवा की वजह से लग रही है। तो आपको बताना है, 2 क्वेश्चन आएंगे, पहला क्वेश्चन आएगा बताओ कि रेन की स्पीड कितनी है, आप बोलेंगे 5। दूसरा, अम्ब्रेला का एंगल क्या है वर्टिकल के साथ, थीटा, थीटा थीटा वर्टिकली ऑपोजिट, तो आप ये एंगल निकाल दो, तो अगर ये 4 तो ये भी 4, तो tan थीटा क्या होगा 4/3, तो थीटा क्या होगा tan इनवर्स 4/3 विद वर्टिकल इज द आंसर। तो पहला रूल समझ में आया कि कैसे सोचना है इसमें, ये पहला टाइप का एग्जांपल है। दूसरे टाइप का एग्जांपल ऐसा है, केस 2 में अपने असाइनमेंट में करेक्शन करो, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, प्लीज ये साउथ नॉर्थ मैंने खुद ही गलती से ड्रॉ कर दिया, ये नहीं है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, नॉर्थ साउथ ऐसे नहीं कर सकते रेन मैन में, हटाओ इसे नॉर्थ साउथ को यहां से, ठीक है। तो सपोज अब वो मैन खड़ा नहीं है, हवा चल नहीं रही, उसने उठाया स्कूटर और चल पड़ा स्कूटर पे, तो वो स्कूटर पे जा रहा है ईस्ट की तरफ विद अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आर, बारिश पड़नी शुरू हो गई, बारिश का क्या कसूर, वो तो सीधी गिर रही थी,
तो बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड 4। प्रॉब्लम क्या है, बारिश सीधी गिर रही है, स्कूटर पे चल रहा है, उसको लग रहा है कि उसके फेस पे पानी टेढ़ा गिर रहा है। जब हम स्कूटर पे जाते हैं या बाइक पे जाते हैं, लगता है रेन ऐसे गिर रही है, मुंह पे चीटे ज्यादा पड़ते हैं टेढ़े। क्यों? हमारी स्पीड जितनी तेज होगी उतना ही टेढ़ा हमें लगेगा, जबकि रेन सीधी गिर रही होती है, हम खुद मूव कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? तो अब क्वेश्चन है कि वो अम्ब्रेला कैसे पकड़ेगा, चलते स्कूटर पे अम्ब्रेला पकड़ना है कैसे पकड़े, सीधा तो पकड़ेगा नहीं। अब उसको रेन कैसी नजर आती है, तो वो क्या निकाल, उससे पूछा गया, भाई ये बता वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, किससे पूछा जा रहा है, मैन से। तो अगर मैं अगर वी आर लिखता हूं तो ये इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड से पूछ रहे हो, लेकिन पूछ किससे रहे हो, मैन से, और मैन खुद चल रहा है, तो कौन यहां पर लगेगा, मैन। तो रेन की वेलोसिटी निकलनी है विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब रेन की वेलोसिटी एक्चुअल कुछ और है, और रेन की वेलोसिटी जो मैन आंसर देगा वो कुछ और है। असली कौन है, असली रेन की वेलोसिटी कौन है, यही है। रेन से पूछो भाई मैं मेरा क्या कसूर कर रहा, मैं तो नीचे गिर रही हूं, मैं असली हूं। और ये क्या है, ये अपेरेंट वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी जो उसको अपीयर हो रही है, अपीयर होना समझते हो, अपीयर होने का मतलब होता है उसको लग रहा है। अब लगने को तो यार सपना जो मर्जी लेता रहे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जी, तो लग रहा है का मतलब एक्चुअल नहीं होता। तो इस केस में क्या है, ये वी ऑफ आर एम का मतलब है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वो निकालना है मुझे कि चलते हुए मैन को क्या लगा कि वेलोसिटी क्या है। अब इस केस में क्या गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है, क्या निकालना है, वी ऑफ आर एम, वी आर एम वेक्टर क्या होता है, वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर, तो ये ऐसे लिख लें इसे। तो अब मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है वी एम और मुझे गिवन है वी आर, पर मुझे क्या चाहिए, माइनस वी एम, तो कोई बात नहीं, मुझे गिवन है वी एम तो मुझे चाहिए माइनस वी एम, तो प्लीज इसे नॉर्थ साउथ काट लेना, ये नहीं है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो मुझे गिवन है यहां पर मैन की स्पीड और मुझे गिवन है रेन, पर मुझे क्या चाहिए, माइनस वी एम, वेक्टर मैंने उल्टा ड्रॉ कर लिया, माइनस वी एम। तो ये क्या है, वी आर, ये क्या है, माइनस वी एम, वेक्टर सम में वी आर प्लस माइनस वी एम वी आर एम। तो अब ये स्पीड अगर 3 है, ये स्पीड अगर 4 है, तो ये 3 है तो ये भी 3 है, तो ये क्या है, 5 है, आंसर 5। क्लियर है यहां तक? तो उसको क्या लगेगा कि स्पीड क्या है, 5 है, उसको ज्यादा जोर की लगेगी। और अगर उसने कहीं स्कूटर तेज चला दिया, यहां पर 3 की जगह मैन की स्पीड अगर 300 हो गई, उसको बहुत जोर की चोट लगने वाली है, क्योंकि 300 की स्पीड में चलेगा तो चोट वेलोसिटी बहुत ज्यादा आ जाएगी, वेक्टर सम सही है। अब अम्ब्रेला कैसे पकड़ेगा, उस मैन को लग रहा है कि बारिश ऐसे गिर रही है, तो अम्ब्रेला ऑपोजिट, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद वर्टिकल, ये वर्टिकल है प्लीज वर्टिकल, तो ये थीटा, ये थीटा, टेन थीटा क्या होगा, दिस 3, तो ये भी 3 अपॉन 4, तो टेन थीटा 3/4, तो थीटा इज टेन इनवर्स 3/4 विद द वर्टिकल, अम्ब्रेला पकड़ेंगे 37 डिग्री पे पकड़ना है।